फर्स्ट लेक्चर में हमने वक्र की निर्देश तंत्र को समझाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक वक्र की निर्देश तंत्र में निर्देश प्रश्न वक्र होता है। इसमें किसी भी कण की स्थिति को हम तीन निर्देशांकों U1, U2 और U3 द्वारा निरूपित कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर अगर हमें इस निर्देश तंत्र में लिखना है तो उस वेक्टर को हम लिखते हैं वेक्टर A=A1 E1 + A2 E2 + A3 E3, जहाँ पर E1 E2 E3 क्रमशः U1 U2 और U3 अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं और A1 A2 A3 संगत दिशाओं में सदिश एक एक घटक है। ये जो निर्देश तंत्र यहाँ पर हम ले रहे हैं ये लाम्बिक निर्देश तंत्र है, लाम्बिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, जिसमें U1 एक्सिस, U2 एक्सिस और U3 एक्सिस तीनों ही परस्पर लंब होते हैं। इस कारण से इस निर्देश तंत्र में कोई भी दो एकांक सदिश जो परस्पर लंब होते हैं उनके लिए रिलेशन क्या आएगा, EI.EI=1 और EI.EJ=0। अब हम इस वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी अदिश फलन की प्रवणता को समझना चाहते हैं और इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना चाहते हैं। जो अदिश क्षेत्र होता है, हम अदिश क्षेत्र के कई सारे एग्जांपल हमने पढ़े हुए हैं, जैसे एक विद्युत आवेश, उसके चारों ओर एक गोली पृष्ठ की हम कल्पना करें आवेश को केंद्र में मानते हुए, तो वो गोलीय पृष्ठ एक समअदिश पृष्ठ है। तो हम एक बिंदु आवेश के चारों ओर जितने भी समस्त कॉन्सेंट्रिक संकेंद्रिक गोलीय पृष्ठ लेंगे वो सब क्या होंगे, समअदिश पृष्ठ होंगे। इसके अलावा जैसे टेम्परेचर फील्ड है, ताप एक अदिश राशि होता है, इसका जो फील्ड है ये भी क्या होता है, अदिश फील्ड होता है, अदिश क्षेत्र होता है। तो हम इस अदिश राशि के मान में जब भी परिवर्तन की दर निकालते हैं तो हमें एक राशि को परिभाषित करना होता है, वो राशि है अदिश क्षेत्र की प्रवणता या अदिश फलन की प्रवणता। जो परिभाषा है अदिश क्षेत्र की प्रवणता की, कि किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा सम अदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। ये परिभाषा एक बार फिर बता रहा हूं, किसी भी अदिश क्षेत्र में अदिश राशि के अधिकतम परिवर्तन की दर को अदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। जो सदिश पृष्ठ दिया हुआ है, जो पृष्ठ दिया हुआ है आपको अदिश पृष्ठ उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस चित्र में हमने एक लाम्बिक निर्देश तंत्र दिखाया हुआ है, इसमें ये U1 अक्ष है, ये U2 अक्ष है और ये U3 अक्ष है। ये तीनों ही अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने दो सम अदिश पृष्ठ दिखाए हैं, एक सम अदिश पृष्ठ S1 है, दूसरा सम अदिश पृष्ठ S2 है। पृष्ठ S1 पर अदिश राशि का मान फाई है, जब हम S1 से S2 पर जाते हैं तो अदिश राशि का मान बदल करके फाई से फाई प्लस D5 हो जाता है। तो यानी हम एक सम अदिश पृष्ठ से दूसरे सम अदिश पृष्ठ पर जाएंगे तो अदिश राशि में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन हम किसी भी दिशा में निकाल सकते हैं और लंबवत दिशा में भी निकाल सकते हैं। यदि हम पृष्ठ पर लंबवत दिशा लें तो वो दिशा क्या होगी, लंब के अनुदिश। ये लंब के अनुदिश दिशा लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम देखेंगे कि अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर जो है वो लंब दिशा में ही प्राप्त होती है। तो यहां पर हमने अदिश फलन की प्रवणता को परिभाषित किया
इसको हमने गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखा, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम अधिकतम परिवर्तन की दर, और इसको दिशा बताने के लिए हमने एकांश सदिश इसको गुणा कर दिया, ये एकांश सदिश एन के जो पृष्ठ है अदिश पृष्ठ उसके लंबवत दिशा में एकांश सदिश है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ डी फाई अपॉन डी एन एन के। अब डी आर और एन के में क्या, डी एन में क्या अंतर है ये आप देखिए इस डायग्राम में। यहाँ पर मैंने दो वेक्टर ड्रॉ किए हैं, एक वेक्टर आर है दूसरा वेक्टर आर प्लस डी आर है, तो पी से क्यू की जो डायरेक्शन है वो डी आर वेक्टर है, इस डायरेक्शन में डी आर वेक्टर आया, और जो मैंने पी से लंब खींचा पृष्ठ पर तो उस दिशा में जो सदिश है वो मेरा पी आर है, जिसको मैं डी एन वेक्टर से लिख रहा हूँ। यदि आप इन दोनों में कंपेरिजन करें तो डी आर आपका डी एन के बराबर हो जाएगा लंब दिशा में, डी आर बराबर डी एन जब हम सम अदिश पृष्ठ के लंबवत डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि डी फाई अपॉन डी एन तो लंबवत दिशा में परिवर्तन की दर है फाई में, जबकि डी फाई अपॉन डी आर क्या होगा किसी भी स्वैच्छिक दिशा में परिवर्तन की दर होगी। और ये परिवर्तन की दर अधिकतम कब होगी, जब हम परिवर्तन की दर को लंब दिशा में निकालेंगे। ये बात अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम इस ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल PQR, तो ट्रायंगल PQR में DR बराबर हो जाएगा DN अपॉन cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का मान 0 और 1 के बीच होता है, तो DR इज इक्वल टू DN cos थीटा या DN बराबर DR cos थीटा, DN बराबर DR cos थीटा। जब cos थीटा का मान मैक्सिमम होगा तभी आपका DR अधिकतम होगा, देखिए आप, तो cos थीटा का मान कब अधिकतम होगा जब हम इस थीटा को जीरो कर दें। थीटा को जीरो करने का मतलब क्या है कि ये जो डी आर वेक्टर है ये इस पृष्ठ के लंबवत हो गया, यानी पी आर वेक्टर या डी एन वेक्टर इस पृष्ठ एस वन के लंबवत है, तो डी फाई अपॉन डी एन ये लंब की दिशा में अधिकतम परिवर्तन की दर है। अब हम इस ग्रेडियंट का मान वक्र के निर्देश तंत्र में निकालना चाहते हैं U1, U2, U3 की टर्म में। तो हम जानते हैं कि फाई चूंकि U1, U2 और U3 पर निर्भर करता है, इसलिए डिफरेंशियल कैलकुलस को यूज करते हुए मैं इसमें होने वाले परिवर्तन को डी फाई डी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा 1 DU1 प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U2 DU2 प्लस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा U3 DU3 इस समीकरण से मैं व्यक्त कर सकता हूँ। अब यदि मैं ग्रेड फाई जो कि किसके बराबर है, समीकरण एक से आप देखिए डी फाई अपॉन डी आर के बराबर है, डी फाई अपॉन डी आर एन क्या के बराबर है, यदि मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S1 से S2 तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना मेरा डी आर है, तो इस डी आर का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ मैं ग्रेड फाई के साथ, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू जाएगा डी फाई अपॉन डी एन एन के डॉट डी आर, एन के डॉट डी आर बिकम्स डी आर कॉस थीटा एंड डी आर कॉस थीटा बिकम्स डी एन, तो दिस डी एन गोज विद डी एन, तो ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई, ग्रेड फाई डॉट डी आर बराबर डी फाई। हमने देखा कि किसी भी कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बराबर ए वन ई वन प्लस ए टू ई टू प्लस ए थ्री ई थ्री, तो ये जो आपका ग्रेड फाई जो एक वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं ग्रेड फाई बराबर G1E1 प्लस G2E2 प्लस G3E3। अब यदि मैं ग्रेड फाई का पुनः DR के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या करना होगा, इस क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ये जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो आप देखिए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा E1.E1, E1.E2, E1.E3, तो जो डिसिमिलर इंडिसेज है जब आपका i j के बराबर नहीं है
तो उस केस में आपका ई आई डॉट पी जे ये जीरो हो जाएगा, और जब आई बराबर जे है तो उस केस में ये बन हो जाएगा। तो मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन गया, ग्रेड फाइव डॉट डी आर बराबर जी वन एच वन डी यू वन प्लस जी टू एच टू डी यू टू प्लस जी थ्री एच थ्री डी यू थ्री। अगर मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन फाइव को मैं इक्वेशन टू से कंपेयर करूँ तो आप पाएंगे जी वन एच वन बराबर डी फाइव अपॉन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा यू वन। तो इससे मैंने क्या निकाल लिया, जी वन निकाल लिया, जी वन की वैल्यू आ गई जी वन बराबर वन अपॉन एच वन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा यू वन। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं जी टू, जी टू बराबर वन अपॉन एच टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा यू टू, और जी थ्री बराबर वन अपॉन एच थ्री डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा यू थ्री। जी वन जी टू जी थ्री का मान हम यहाँ पर रख दें जहाँ पर हमने ग्रेड फाइव के लिए इक्वेशन लिखी है, ये ग्रेड फाइव बराबर जी वन जी टू जी थ्री, ग्रेड फाइव बराबर जी वन ई वन प्लस जी टू ई टू प्लस जी थ्री ई थ्री। तो ये मान मैंने रख दिया यहाँ पर, तो मेरे पास आ गया ग्रेड फाइव बराबर, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, ये जो ट्राइंगल उल्टा ट्राइंगल ये क्या था आपका डेल ऑपरेटर। तो ग्रेड फाइव बराबर डेल फाइव बराबर ई वन अपॉन एच वन प्लस ई वन, सॉरी ग्रेड फाइव बराबर ई वन अपॉन एच वन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा यू वन प्लस ई टू अपॉन एच टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा यू टू प्लस डेल्टा ई थ्री अपॉन एच थ्री डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा यू थ्री। तो इस प्रकार से हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेड फाइव के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते। जब भी हमें स्पेसिफिक केसेस में ग्रेड फाइव का मान ज्ञात करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं दूसरे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उस केस में हमें क्या करना होगा, जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको डिटरमाइन करना होगा और स्केल फैक्टर्स को डिटरमाइन करना होगा, यानी ई वन ई टू ई थ्री और एच वन एच टू एच थ्री, इनका मान अपने को निकालना होगा। और हम किसी भी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि कैसा है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम ग्रेडिएंट फाइव को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक केसेस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेड फाइव को एवेल्युएट कर सकते हैं।